दोस्तों नमस्कार, दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आज हम खड़े हैं गुप्त काशी के अंदर। आपने सुना भी होगा दोस्तों, काशी तीन है, काशी इंडिया के अंदर। ये दो हम खड़े हैं, ये गुप्त काशी है, ये देखो नज़ारा इधर का, ये गुप्त काशी है, प्रकृति का हरा भरा आनंद है। और ये देखो इधर आपको दिखाते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया सीनरी है, प्रकृति का आनंद देखिए। इधर देखो खेती, देखिए इस तरह खेती करते लोग। इधर है भाई साहब, ये सीढ़ी नुमा खेत है, यहाँ पे खेती करते हैं। ये केदारनाथ जाते रास्ते में आती है, एक इससे साइड में है वो है उत्तरकाशी, ये है गुप्त काशी। इसका नाम गुप्त काशी क्यों है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन नाम है इसका गुप्त काशी। उधर उत्तर काशी है, एक एक काशी जी है, क्या बोलते हैं, काशी विश्वनाथ जिसको वाराणसी भी बोलते हैं। आपने उस काशी जी का सुना होगा जिक्र, वाराणसी का, तो आपने काशी सुनी है, वाराणसी सुनी है, यानी कि जो बोलते हैं जहाँ गंगा नदी है वो तो आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी तो गुप्त काशी नहीं देखी होगी। ये उत्तराखंड के अंदर गुप्त काशी है, एक उत्तर काशी है, तीन काशी है। आपको काशी का व्यू दिखाते हैं, देखो कितना प्यारा व्यू, देखो देखो कितने प्यारे प्यारे खेत बना रखे हैं, कितना प्यारा प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। ये देखो इधर रिजोर्ट है, ये इसी दिनों में खेत इधर भी असी क्यों पड़ा, यहाँ भगवान भोलेनाथ जो है गुप्त हुई थी, यहाँ पांडव के डर से ना, पांडव के डर से जो है, पांडव जब उनको पीछा कर जा रहे थे उनके मिलने के लिए, कौन पांडव लोग, पांडव जी, पांडव पांडव पांच पांडव पांडव, तो वो भगवान जी वहाँ गुप्त हो गए थे, गुप्त काशी में छुप गए थे, उनको दर्शन नहीं दे रहे थे वो, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी है, काशी पड़ा इसका नाम। एक उत्तर काशी भी तो है, एक उत्तर काशी वो अलग है, उसका क्या कारण बताओ, काशी विश्वनाथ है वहाँ पे, काशी विश्वनाथ है। अरे काशी इसमें आइए, क्या बोलते हैं यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में वो भी काशी है, वाराणसी बोलते हैं इसको, बनारस, बनारस गुप्त काशी है, यहाँ भोलेनाथ गुप्त हो गए थे इसलिए इसका नाम गुप्त काशी है। शुभ नाम सर आपका, पुष्कर सिंह पवार। पुष्कर सिंह पवार ने हमारे को जानकारी दी कि ये जो है ना यहाँ पर भोलेनाथ जी गायब हो गए थे इसलिए इसका नाम गुप्त काशी पड़ा। दोस्तों आज मैं पता लगा गुप्त काशी नाम तो सुना था, गुप्त काशी यहाँ का कितना प्यारा नज़ारा देखिए, इधर खेत सीढ़ी नुमा, ये रिजोर्ट बहुत बढ़िया जगह है।
के रखा है ना। भाई साहब हरिद्वार जी पहाड़ों का यहाँ मौसम है हर वक्त गुजार होगा।